ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एक कारा सतगुरु तेह प्रसाद सच हुए वाहे गुरु जी की फतेह है बिघन विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह है बिघन विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन दीन दुनिया के मालक गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जिया की पाक ते पवित्र बारगाह अंदर जुड़ मिल करके आप इस रूहानियत के वगदे सागर के कोल आ करके अपने मन रूपी भांडे नूं टेढ़िया करन वास्ते आए हाँ। किते करमा करके नाम की बूंद अंदर चली गई गुरु क्या सिखा तेरे जमण ते मरण का गेड़ा कट्टिया जाएगा। एडा वड्डा सागर है तुसी देवतियां दियां तरह चौंकड़े मार करके परसों दे रोज तो दीन दुनिया के मालक के सन्मुख हो करके अपने मन की अवस्था नूं रखण वास्ते आए हो। इस जीवन की चलती स्वासा रूपी माले के मणकियां नूं सफल करन वास्ते आए हो। गुरु साडे ते बौड़ी करे। दो तरह की पढ़ाई है, एक विद्यालयां की पढ़ाई है ते एक संप्रदावां की पढ़ाई है। जिहड़ी विद्यालयां विच पढ़ाई पढ़ाई जाती है उहदे ते प्रोफैसर लगते ने, उहदे ते हैडमास्टर लगता है ते बच्चे नूं ए तागीद कीती जाती है जदों तू लैक्चर करना है तेनूं सारा कुछ आउंदा ते जिहड़े गाड़ी बैठे हुंदे उहनां नूं कख नहीं आउंदा, जो तू बोली जाएगा सही होवेगा। वो अपने मन दे ढंग दे नाल अपने ढंग तरीके नाल बोलता है। एक हुंदी जे संप्रदावां दी पढ़ाई, जदों रब दे प्यारियां कोल जाईदा है वो कहिंदे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह राजिआं दा राजा होवेगा, वो थिमां पुरशां दा पहरा होवेगा। गाड़ी बैठी रब रूपी संगत हो गई वेखी किते उच्चा नीवा बोल ना बोल दई बज ना जाई, इहनूं कहिंदे ने श्रद्धा। एक हुंदा जे हंस एक हुंदा जे परमहंस। जिहड़ा हंस हुंदा है संत जी सानू कहिंदे भी समुंदर दी छल आउंदी ते उहदे विचों जिहड़े मोती हुंदे ने उह किनारे ते सुट जांदा है समुंदर। जिहड़ा उहनां मोतियां नूं चुक करके अपना ढिड भर लैंदा उहनूं कहिंदे ने हंस। समुंदर दे विच ज्वार पाटा आवे जां समुंदर दी वड्डी छल आवे उहदी छल नूं आउंदिआं वेख करके अपने परां दे जोर नाल उडारी मार करके समुंदर दी छल विच जा करके विचों मोती लै करके अपने हिक दे जोर नाल उड जाणा उहनूं कहिंदे ने परमहंस। जिहनूं भाई गुरदास जी कहिंदे मानसर हंस, साध संगत परमहंस, धर्म तुजा धर्मशाला चल आवई उत मुकताल आहार दुतिया नासत एत गुर शब्द सुरत लिवलावई उत खीर नीर निरवारो कै बखाणियत एत गुरमत दुरमत बन जावई उत बग हंस वंस दुबदा ना मेट साकै एत काग पाग सम चाल को मिलावई। तुसी श्री मान संत बाबा करतार सिंह जी की याद नूं मनाउण वास्ते इत्थे एकत्र होए हो। फर्ज बनता है असी उन्हां दी याद नूं मनाउण वास्ते आए हाँ ते किते उन्हां दी याद विचों उन्हां दे जीवन विचों किते एक भी गुण का किणका मिल जाए गल टिकाने लग जाए। गुरु क्या सिखा बेसमझी दे नाल आपां झोली तां अड़दे हाँ, गुरु दात भी पाउंदा है किसे वेले पल्ला खिसक जे ते सारा कुछ हत्थों निकल जाता है, सारा कुछ हत्थों। इस तरीके दे नाल दीन दुनिया के मालक दीन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पाक ते पवित्र बाणी आखदी कई जन्म पै कीट पतंगा
कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो, कई जन्म सैल गिर किरिया, कई जन्म गर्भ रिखरिया, कई कई जन्म तेनू पहाड़ दी जून मिली, ते कई कई जन्म तू मां दे पेट विच खुर गया, तेनू मनुखा जामा मिलिया, कि झोली दी पले नू छड़ ना दई। सानू संत जी एक दृष्टांत पढ़ाउंदे सन, सोजी तो बिना कख नहीं जे पले पैंदा, जिन्ना चिर तक सोजी नहीं उन्ना चिर तक कख पले नहीं पैंदा। एक जट ने नदी दे कंडे ते बीजिया बाजरा, हुण बाजरा फल ते आया, उन्हों पैन लगे तोते, जो तोते पैन लगे तो सियाणा किसान सी नदी चो पानी लिया, मिट्टी विच पा करके ते निगे निगे गलेले वट लै, मचांग ते चढ़ गया, कमाणी च पा करके ते गलेलिया नू सुट्टी जांदा, ते तोते डाई जांदा, तोते डाई जांदा। थोड़े दिन लंघे, जिथों मिट्टी पुट करके गलेले वटदा सी उहदे मत्थे दे करम थल्यों कड़ा निकलाया, कड़े का ढक्कन चुक के वेख्या ते गलेलियां दी तरह लाल सन लाल, पर बंधा पारखू नहीं। उन्हें मन नाल सलाह की, वह मना अगे मिट्टी विच पानी पा करके गलेले वट करके कमाणी ते चढ़ कर मचांग ते चढ़ करके कमाणी विच पा करके तोते डाउंदे, अज बने बनाते गलेले मिल गई। कड़ा लै करके मचांग ते चढ़ गया, परख ना होण करके एक एक लाल कमाणी विच पाया ते तोते डा दिते। तोते इन्ने चिर नूं करवाली सवाणी प्रशादा लैके आई, कहिंदी सिर दे हसाइयां थले उतर ते प्रशादा छक लै। थले उतरिया, जेड़ा कड़ा लैके गया सी कड़ा भी नाल लै करके थले आया। इन्ने चिर नूं सूरज दीआं किरणां घड़े विच पईआं, ते घड़े विचों सिद्धियां किरणां उहदी घरवाली दी अख विच वजी, ते जदों हथ पा करके वेख्या कहिंदी सिर दे साइयां वड़ा जगदा की है, आंदा बड़े बनाते गलेले, ये तां एक बजिया ही, इहदे नाल दे हजारां सन, जे किते पहलां आउंदियां ते जिने मर्जी रख लैनी। उह कहिंदी गए किथे, उहने आख्या तोते डा ते तोते नदी च चल गए सारे, एक बजिया चंगा लगा ते तूं रख ला। उह कहिंदी मैनूं चंगा लगा, मैं रख लैनी। कर लै गई, लाल नूं कट करके अंगीठी ते रखिया, रात नूं लाल इन्ना क जगया, इन्ना क जगया, गुरु के सिखो अज होर ते कल होर, पारखू लोकां नूं पता लग गया भी इहदे घर लाल है। जिहड़े पारखू सन परख वाले सन उह गए, उहनां ने अपनी कसवट्टी ला करके जदों पारखूआं ने उस लाल नूं परखिया ते लाल कामयाब हो गया, परख विच पूरा उतर आया। उहनां ने एक अलीशान बनिया बनाता बंगला दिता, नाले पंडा ना पैसे दिते भी लै मेरी ये भैने ते लाल सानू दे दे, ए कुछ भी नहीं, जे किते तेरे घर गरीबी खेडी ते फिर साडा कुंडा खड़का दी, तेनू होर बड़ा कुछ दे देंगे। इन्ने चिर नू चार पांच दिन बाद किसान घर आया, उन्हें वेख्या छप्पर दे लागे बहुत वड्डे महल ने, घरवाली छप्पर च है नहीं, की गल है। इन्ने चिर नूं करवाणी सवाणी ने महल की खिड़की खोल के आवाज मारी, सिर दे साइयां लंघ गया, अपना ही महल है, पैरां थल्यों मिट्टी निकल गई। कहिंदा भागां वालीए, फसल तां जमीन विच पई है, मंडी च बाजरा नहीं गया, ते इन्नी माया कित्थों आई। उह कहिंदी जिहड़ा तेरे कोलों लाल लै के आई सां दुनिया दे बाजार विच वेग आई, एक महल दिता ई, अंदर हो करके वेख पंडा ना पैसे पै, ते नाले एक गल आखी भी एक कख भी नहीं, जे किते फिर तुहाडे घर गरीबी खेडी ते साडा कुंडा खड़का दिओ, तुहानू होर दे दित्ते जाणगे। किसान दुचित्ते पण विच पै गया, उह मना एक लाल दी कीमत इन्नी, इहदे नाल दे हजारां लाल सन जिहड़े तोते डा दित्ते, ना पुछिया ना दस्या, ते उहनां पैरां नाल पिछे मुड़ गया। हो सकदा नदी चों मिल जाण, नदी चों लभण वास्ते गया, नदी दे पानी दा वहान इन्ना क तेज है, कहिंदे जदों किसान ने पैर पाया ते नदी विच रुड़ गया, पल्ले कख नहीं पिया, मौत हो गई। ये दुनियावी दृष्टांत है, दुनियावी। 84 लाख जून दे गेड़े तो बाद सानू मनुखा जामा मिलिया है। काल रूपी नदी वगदी है, हिरदे दे अंदर जिहड़े स्वास चलदे ने ये उहनां लालां दी न्याई है। बंदे दी बदकिस्मती इहदी फसल है, सत संतोख दया धर्म सहन शीलता
प्यार विराग ये सारी यदि फसल है। काम क्रोध चुगली निंदिया ईरखा द्वैख ये ईरखा दे तोते लगे ने तोते। बंदे दे कर्म चंगे होण सतबुद्धि इस्त्री दे मगर ला करके जो गुरु दरबार में आता तो गुरबाणी दियां पंक्तियां किणका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गणी ना आवै। गुरु क्या सिखा परमात्मा दे घर विच बह करके किते नाम दा एक किणका हिरदे विच वसा। असी कार सेवा वाले महापुरशां नाल संबंध रखते हैं सरियाली साहब वाले नाल ते जो सानू उहनां संतां ने पढ़ाया उहनां दा वखरा अलहदा है। वो कहिंदे सिखा उस परमात्मा दा नाम की है जे तेरा सुरता बिरता जुड़ गया तेरी रब नाल गलबात हो जाएगी। रब नाल वो नाम की है मैनू 20 मिनट मिले तो मैं इन्हां 20 मिनटां दे विच ना तां कोई प्रसंग कह सकदा बस केवल तो केवल एक चात मारांगा। बंदे दा नाम जीवन किवें बदलदा है। नाम की है सत नाम वाहेगुरु सत नाम वाहेगुरु। सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु। एक 9 साल का काका हाथ से दीवा जगा करके तुरिया उहदा ते कोई संत बाबा करतार सिंह वाले वर महापुरशां वर्गा मिल पिया। उहना आख्या ओ पुत्रा प्रकाश कित्थों आया। बच्चे ने सोचा संत जी पुछदे ने प्रकाश कित्थों आया। बच्चे ने आख्या संत जी असी आदिवासी लोग हाँ साडे बजुर्ग पत्थर ते पत्थर नूं रगड़ करके ते सारी दिहाड़ी गर्म करके ते मसी दिनी अग कढ़दे सन। मसी दिनी अग हर एक घर प्रति बंदा पत्थर ते पत्थर नूं कसाई जांदा ते बुद्धिवान जीव कट्ठे होए उहनां आख्या भी आपां सारा शहर जू पत्थर ते पत्थर नूं कसाउने आ। आपणे कोल बेशुमार जंगल है अत दीआं सुकीआं लकड़ां होण करके एक धर्मशाला तैयार कीती जाए। सुकियां लकड़ां कठियां करके ते धर्मशाला विच रख दित्तियां जाण ते घर प्रति लगण दी बजाए पत्थर ते पत्थर नूं कसा करके अग बाल लई जाए। घर प्रति एक बंदे दी एक दिन ड्यूटी लाई जाए ते सारा शहर उत्थों अग लई जाए। गल तां ठीक सी भी सारे शहर वासियां नूं वेलियां कर दिता। धर्मशाला तैयार कीती गई सुकियां लकड़ां रख दित्तियां गईयां लकड़ ते लकड़ नूं रखी जांदे ते सियाणे लोग अग तों अग लई जांदे ने। उस बच्चे ने आख्या संता ये प्रकाश मैं धर्मशाला विचों लै के आया। साधु ने फिर पूछा पुत्रा प्रकाश कित्थों आया। उन्हें आख्या संता धर्मशाला विचों लै के आया। तीजी वेरा फिर पूछा पुत्रा प्रकाश कित्थों आया। 9 साल की उम्र काके दी अंदर नू गया मन मंदर तन वेस कलंदर काट ही तीर्थ नावा एक शब्द मेरे प्राण बसता है बहुत जन्म ना आवा। बच्चे ने सोचा संत इस प्रकाश की गल नहीं करता। बच्चे ने पल्लू मारिया दीवा बजा दिता कहिंदा संता मैनू नहीं पता प्रकाश कित्थों आया पर तू दस भी प्रकाश गया किथे। जदों इन्नी गल आखी जिन्हों गुरबाणी कहिंदी बिण गाहक गुण वेचीए तौ गुण सहगो जाए। गुरु क्या सिखा गुरु होवे कामल चेला होवे आमल। रब विच शामल गुरु पूरा होवे चेला मनन वाला होवे। गल बन जाया कर दी जे तुसी बुजुर्ग लोग बैठे जे कोटा गर्क होया कोटा अज तो 105 साल पहलां दी गल है। सानू संत जी पढ़ाउंदे सन जो बंदा बेबचारी हो जाए बंदे दे अंदर डंगर बिरती खेड़ जावे बंदा द्वैख की भावना नाल जो संसार ते विचरदा ते परमात्मा कोई ना कोई हलूणा मारदा है। कोटे की धरती दे उते दुनिया दे लोग अत्याचारी होए ते कोटा गर्क होण लगा उते कोई रब दा प्यारा बैठा ते उन्हें परमात्मा नूं पुछया दीन दुनिया दे मालका कोटा गर्क हो जाणा कल शाम तक ते जे तेरा हुक्म होवे
पीपा खड़का दिया, हो सकता किसी की गल बन जाए। रब ने आख्या भी गल की दी बननी है, तू वेखना तो वेख ला, मैं तेनू ना नहीं करता, लै पीपा ते खड़का दे। कहिंदे संत ने पीपा खड़काया, गोइंदवाल की धरती ते खडूर साहब की मां बैठी है चौंकड़ा मार के, जिथे गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के सरूपां का संस्कार हुंदा है। इक्के दम मां दे कन्नां विच आवाज पई, मां कल शाम तक कोटा गर्क हो जाना ही, जे तेरा कोई कोटे वसदा ते सद लै। मां ने नेत्र खोल के वेख्या, पिछा पौ करके वेख्या, ते आवाज आई ते दिखिया कोई भी ना। जदों मां ने इनी गल वेखी, आकाश बाणी होई है, कल शाम तक कोटा गर्क हो जाना, बंदा कोई दिसदा नहीं है। वह मां चंगी होवेगी, ना मड़ियां नू गई, ना मट्टां नू गई, ना गुगियां ते दही पौन गई। मां ने गल विच पल्ला पाया, बारह वरां दे मालक धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे चरणा विच गई, ते हाथ जोड़ के आंदी, बाबा ना पत्रका जा सकती है, ना कोई टैलीफोन का साधन है, खडूर की धरती तो धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह ने तुहानू गल ना ला करके बारह वर दे करके गोइंदवाल भेजिया। नमाणिया का माण, नेताणिया का ताण, न्योटिया की ओट, भन्नण कड़न समर्थ बाबा अमरदास सच्चे पातशाह, मेरे दो पुत्र कोटे वसदे ने, कृपा कर मेरे पुत्र बाजण। आकाशवाणी होई मां, जिथे इन्ने मर जाणगे, जे तेरे दो मर जाणगे ते की फर्क पैंदा। मां ने पैंतड़ा बदलिया, बाबा मेरे होण ते चले जे कोई फर्क नहीं, दीन दुनिया दे मालका जे बच गए ते तेरी झोली विच पा देंगी, दोवें तेरे दर कर दे, झाड़ू बरदार बने रहणगे, झाड़ू मार दिया करनगे, टोकरी की सेवा करिया करनगे। गुरु के सिखो कोटा गर्क होया, दो महापुरश बचे, बाबा दवान सिंह ते बाबा खजान सिंह छापड़ी साहब वाले। संत अनंत है अंतर नाही, जेडे रब दे प्यारे हो जाते ने गुरु क्या सिखा, उन्हां दा ते रब दा कोई भेत नहीं हुंदा, परमात्मा विच एक हो जाते ने। बच्चे ने पल्लू मार करके दीवा बजा दिता, संता मैनू ये नहीं पता प्रकाश कितों आया, पर मैनू तू दस भी प्रकाश कितों गया। बच्चे नू संत ने गल वकड़ी च लिया, कहिंदा पुत्रा अग अंगीठी विच बाल दिती जाए, अग चुल्हे विच बाल दिती जाए, अग जंगल नू लग जाए ते अग उतां नू जांदी है। बच्चे ने पुछया संता क्यों, संत ने आख्या इहदा मेन तुरा सूरज है, सूरज ते जिन्ना चिर तक अग सूरज विच अभेद नहीं हुंदी, उन्ना चिर अग भड़कदी रहिंदी है, भड़कदी पानी पहाड़ विचों आवे, पानी झरने विचों आवे, पानी दरिया का नक्का टुट जावे, पानी नवाण वाले पासे नू आउंदा है। बच्चा गुणकारी सी, उन्हें आख्या संता पानी नवाण वाले पासे नू क्यों आउंदा है, उन्हें आख्या पुत्रा इहदा मेन तुरा धरती है, जिन्ना चिर तक धरती दे विच पानी समा नहीं जांदा उन्ना चिर तक शांति नहीं पाउंदा। इसे तरीके दे नाल तू परमात्मा दी अंश है, परमात्मा विच अभेद होण वास्ते संसार ते आया है। जे परमात्मा विच अभेद ना होया तेरी गल नहीं बनेगी, जीवन दी बाजी फौल हो जाएगी, ते जेड़ी बॉल ग्राउंड तो बाहर हो जाए वो फौल हो जाया करती है। गुरु क्या सिखा, तेनू मनुखा जामा मिलया, वेखी किते फौल ना करी। कहिंदे संत ने चौंकड़ा मारिया, बच्चे ने चौंकड़ा मारिया, एडा वड्डा गुण बच्चे दे अंदर पैदा कर दिता, शब्द की चोट वजी, बच्चे का इरदा शुद्ध हो गया। कहिंदे वो अपने समय का समकाली संत बनिया। संत संत की एक पकार वड्या वड्या दे जीवन नू बदल जाया करती है। संत की एक गल वड्या वड्या बेबचारियां दे भांडे छड़ा दिया करती है। साड़ी बदकिस्मती सानू मारिया ही तरकने है, सानू मारिया निशर्दक पुणे ने है, साढ़े अंदर तो शरदा बधी हुई नहीं। गल्लां असीं उन्हां संतां दीआं करदे हां जिन्हां ने पैर रात रहिंदिआं कलयुग दा बिस्तरा छड करके कंजिआं दी सेजा ते बह करके बंदगी कीती है। उठे बारह बजे निंदिआ संत दी, जिन्हां पैर रात रहिंदिआं बिस्तरा छड्डिआ। गुरु क्या सिखा, जे आपां दुनियावी ट्रेन लै लईए, पांच मिनट पहलां तुरे, चार चार दिन ट्रेन एक दूजी नूं मिल नहीं दिंदी, चार चार दिन कित्थे बारह बजे उठना ते कित्थे पैर रात रहिंदिआं, जिन्हां चौंकड़ा मारना असी उन्हां दी निंदिआ लापे करन।
गुरु क्या सिखा निशाना की निंदा बौलिया की निंदा ना कर, तू शरदा विच आ करके ते भावना करके टेक। एक बंदा डाक्टर को गया ही नहीं ते रोग उन्हू डाढ़ा लगा है ते डाक्टर नू कही जांदा मैं ठीक नहीं हुंदा। जिन्ना चिर सनमुख ही नहीं गया डाक्टर दे कोल ही नहीं गया दवाई नहीं ली गल तेरी किवें बनेगी। बाबे अमरदास सच्चे पातशाह दे घर दीआं गागरां चुकणीआं पैणगीआं। बाबे अमरदास सच्चे पातशाह दी नाली साफ करनी पैगी। बाबे अमरदास सच्चे पातशाह दा झाड़ू प्रधार होना पैगा। फिर तैनू पता लगेगा बौली की है। सानू संत जी एक दृष्टांत पढ़ाउंदे सन, मैं किताब चों नहीं पढ़िया, तर्क ना करना इहनू शरदा वाले पासे लैणा। काबुल तों एक पंडित आया, उहने आ करके भाई बल्लो नू मिलिया ते भाई बल्लो धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दा लांगरी सिख है। जदों मिलिया पंडित ने आख्या मित्रा मंजा बिस्तरा मिल जाएगा। उन्हें आख्या धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह त्रिलोकी दे मालक दा घर है, तू मंजा बिस्तरा आखदा डाढ़िया प्रशादा भी मिलेगा। प्रशादा छकिया पंडित लगा सौन। भाई बल्लो ने अपने नेम अनुसार पंडित नू आख्या पंडित जी तुसी सौन लगे हो, जे किते सवेरे इशनान करना आया ते बौली विच कर लिओ। हुण पंडित ने पुछया बाबे बल्लो नू, बाबा 21 वरां पहला गंगा दे जा आया ते 22वीं वार चलिया, पहला तां मैं किते बौली नहीं वेखी, पहला तां इत्थे कोई बौली नहीं सी, इत्थे महान तट सी, वड्डे वड्डे बेड़े लग्या करदे सन, दुनिया के मुसाफर दरिया तो पार होया करते सन, क्योंकि गोइंदवाल का बहुत वड्डा तट है, गोइंदवाल का बहुत वड्डा तट आता थोड़े समय तो पुल बनया है, पहला वड्डे वड्डे बेड़े चलते सन। तो तू कहना बौली च इशनान कर ली, कित्थे गंगा कित्थे बौली। भाई बल्लो ने आख्या मैं तेनू इदा नहीं आख्या, मैं तेनू आख्या जे इशनान करना आ तो बौली विच कर ली। हुण पंडित ने अपना ज्ञान घोटिया, बाबा गंगा साड़ी जन्मां जन्मंतरां तो वगदी है, बौली तुसां कल तैयार कीती है, मैं इशनान किवें करना। हुण होवे गुरु का सिख ते बंदा निशर्दक करे शंका, ते गुरु दा फर्ज है शंके नूं निवृत्त करना। त्रिलोकी दे मालक जदों तुसीं बौली साहब जांदे ते बार थड़ा बणिया है, इत्थे त्रिलोकी दे मालक धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह बैठे सन। भाई बल्लो ने गल विच पल्ला पा करके आख्या बाबा मैनू दस, काबुल तो पंडित आया ही, मैं बौली च इशनान करन वास्ते आख्या ते कहिंदा कित्थे जन्मां जन्मंतरां तो गंगा वगदी है, कित्थे तुसां बौली कल तैयार कीती है, बौली माण है कि गंगा माण है। इस सवाल है धन बाबे अमरदास सच्चे पातशाह दे चरणां विच गुरु के सिख दा, बाबा बौली माण है कि गंगा माण है। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जे गंगा की निंदा कर देते तां वी नहीं फबदा, क्योंकि त्रिलोकी का मालक है, उहदे वास्ते तां सारा जहान इक है। भाई बल्लो नूं कहिंदे मैं ये नहीं आखदा भी गंगा माण नहीं, पर जा पंडित नूं आवाज मार के लिया। पंडित सनमुख होया, त्रिलोकी दे मालक ने भाई बल्लो नूं आख्या भाई बल्लो जा लंगर विच जा ते साडा गड़वा लैके आ। गड़वा लिआंदा गया, गड़वा पंडित नूं दित्ता, लै पंडता जे तेरी गंगा माण है ते तेरी गंगा नूं नमस्कार, आ गड़वा लै जा, जन्मां जन्मंतरां तों वगदी गंगा दा पवित्र जल लैके आई असीं छकणा ई। पंडित ने गड़वा हथ च लिया, पंध मकाया ते हरिद्वार चलिया गया, गंगा ते इशनान कीता, लगा तुरन ते चेता आया भी गोइंदवाल गया सा, उत्थों गड़वा मिलिया है, लगा भरन। जिवें बाबे रविदास दा गंगा ने मनुखा जामा धारण करके कंगन भेटा कीता है, इक्के दम गंगा ने मनुखा जामा धारण कीता ते गड़वा खिच के लै गई। हुण जदों पंडित दे हत्थों गड़वा निकल गया, हुण मन विच ख्याल करदा मना चल गोइंदवाल जा करके कहांगा बाबा गड़वा लगा भरन ते हत्थों छुट गया, मुड़ के मिलिया ही नहीं। जदों गोइंदवाल आया, भाई बल्लो ने आख्या पंडता तेनू बाबे अमरदास सच्चे पातशाह ने गड़वा दिता सी, खाली हथी आ गया। उन्हें आख्या मैं इशनान करके जदों गड़वा लगा भरन ते मेरे हत्थों गड़वा छुट गया, मुड़ के मैनू गड़वा नहीं मिलिया। गल बाबे अमरदास सच्चे पातशाह दे कोल गई, दीन दुनिया दे मालक कहिंदे चंगा पंडता गंगा च इशनान कर आया, कहिंदे हाँ। ते त्रिलोकी दे मालक ने आख्या चंगा जा बौली विच इशनान कर लै। हुण पंडित दे मन विच आया चल कोई नहीं गंगा च इशनान तां कर ही आए हां, बौली विच वी कर लैने आ। जदों बौली च इशनान करन वास्ते गया, दो पौड़ थले उतरिया, पहला चुब्भा मारिया ते थले गड़वा मिल पिया।
हुण जदों थल्यों गड़वा मिलिया पैरां थल्यों मिट्टी निकल गई एकदम गड़वा फड़िया ते बाबे अमरदास सच्चे पातशाह दे कोल आया बाबा मेरे ते कृपा कर मैनू ये शंका निवृत कर मेरा मैनू समझ नहीं आई पंध मका करके हरिद्वार गया किथे हरिद्वार ते किथे गोइंदवाल साहब गड़वा हरिद्वार गवाजदा है मिलदा गोइंदवाल साहबों आके की कारण है त्रिलोकी दे मालक ने आख्या पणता जिहड़ी गंगा दा तू माण करदा बाबे नानक दा पाणी भर दी उदन दा गड़वा लै करके साडे सनमुख होईए केवल ते केवल तेरा शंका निवृत करन वास्ते असी तेनू एक कौतक गवाउणा पिया गुरु क्या सिखा दीन दुनिया के मालक बाबे अमरदास सच्चे पातशाह के घर में गंगा पानी भरती है सूरज नमस्कार करता है सारा कुछ ठीक है अपनी बिरती बनाउणा कर जिन्हों बाबा कबीर जी कहिंदे कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे शेक हजार हरुए हरुए तर गए डूबे जिन सिर भार एक माँ की कुख विचों जन्म लिया गुरु के सिखो नाम की विद्या नाल जुड़िया दल्ले दे रहन वाला गुरु का सिख पाई पारो बाबे अमरदास सच्चे पातशाह दे घर विच आ करके ते बाबे दे सोले गाउंदा ते बाणी नू सुणदा है बाणी कन्नां विच गई मन मन गया मन ने आत्मा उजली कर दित्ती परमात्मा नाल इन्नी गलबात हो गई किथे ब्यास दरिया ठाठा मारदा ठाठा गुरु का सिख घोड़े तो उतर करके अरदास करदा सुणिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया तरत तवल आकाश सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पोहे ना सके काल त्रिलोकी दे मालक तन बाबा अमरदास सच्चे पातशाह तेरे दर्शन करने ते ब्यास दरिया ठाठा मारदाई कर कृपा गुरु के सिख ने सज्जा पैर पाया ते ब्यास दरिया गिटे गिटे हो गया ये ओदी वड्याई है जेड़ा करते नाल जुड़ जांदा है खलकत ओदे नाल जुड़ जांदी परमात्मा उहनू राह दे देंदा है गुरु के सिखो साडा ख्याल सब तो उत्तम है जिन्हों का ख्याल मुड़ गया उन्हों का जीवन मुड़ जाता है सानू संत जी एक दृष्टांत पढ़ाते सन घुम्यार के घर पुत्र पैदा होया तो पढ़ ज़्यादा गया जो पढ़ ज़्यादा गया तो घुम्यार ने आख्या पुत्रा इदा कर भी सरकार बेईमान इन्हें कि नौकरी देनी है कोई ना कोई काम सीख ला मेरे को उन्हें आख्या मेरे को डिग्रियां मैं काम की सीखना मैं नौकरी मिल जानी है कुदरती तौर पर चार पाँच साल भजदा रहा गल ना बनी माँ ने समझाया पुत्रा जा अपने प्यो दे कोलों को हुनर सीख लै प्यो कोल गया जांदियां नू प्यो ने मिट्टी गिली कीती ते तकले ते उहने तौड़ी पाई तौड़ी हाथ जोड़े पिता जी जो गुण तुहाडे विच है कृपा करके मैनू भी दे दिओ पिता दे कोल रहा सवेर तो लै करके शाम तक तौड़ियां बनाउंदा रहा तौड़ियां ते तौड़ी बनाउण दी जाच आ गई रात नू अटैक होया ते प्यो मारिया गया जदों प्यो मर गया माँ कोल गया माँ प्यो घग्गरां बनाउंदा सी पिता झावें बनाउंदा सी पिता चाटियां बनाउंदा सी पिता गुलदस्ते बनाउंदा है पिता तौड़ियां बनाउंदा सी मैं कल्ली तौड़ी बनाई ते प्यो दी मौत हो गई मैं की करां उहदी मां चंगी होवेगी उहने शाबाशी दित्ती पुत्रा कोई गल नहीं फिक्र ना कर रब बौड़ी करेगा तू तौड़ियां बना के वेची चल वह तौड़ियां बना के वेची गया इन्नियां तौड़ियां विकियां इन्नियां तौड़ियां वेकियां दुनिया के मशहूर हो गई तौड़ियां कुदरती तौर पर एक दिन तौड़ी बना माँ कोल आ गई तो शाम का समा थोड़ी जी मिट्टी वध गई तो ला के पासे लगा कर तौड़ी नू लगा चुक के तकले तो पासे कर माँ ने गुट फड़ लिया पुत्रा आ जड़ी मिट्टी वधी एदा की करना है उन्हें आख्या माँ जो कल नू मिट्टी गुनागा वो पा करके गुण देंगा तौड़ी बना देंगा वोदी माँ कहती पुत्रा मेरे आखे लग तू मिट्टी ला दे जो बनेगा वेखी जाएगी उन्हें माँ दे आखे ला के मिट्टी ला दी तो घड़ा बन गया जो घड़ा बन गया तो घड़े नू लै गया लकड़ारा उन्हें पानी पा करके जंगल में रखिया तो उधर दी कितने घुम्यार दा पुत्र लंघिया तो इन्नी ते ने व्याकल किया क्योंकि गुरबाणी दी पंक्तियां पहला पानी जीओ है पानी की कोटना मिले तो बंदे की मौत हो जाती है घुम्यार दा पुत्र लकड़ारे दे कोल गया मित्रा कुट पानी पिया जे तू पानी ना पिया मेरी मौत हो जानी है लकड़ारा रुख तो उतरिया ते घड़े विचों एक मशक कढ़ करके घुम्यार दे पुत्र नू पानी पिया उन्हू ठंड पै गई उन्हें अरदास कीती मालका तेरा धन्नवाद जंगलां विच भी रब दे प्यारे पैदा कर देना कुट पानी दी अंदर गई तो शांति आ गई ना रब बोलिया
ना लकड़ारा बोलिया ते गाड़ियों घड़ा बोल पिया, तू भी धन ते तेरी मां भी धन। उन्हें वेख्या घड़े चो आवाज आउंदी है। उन्हें फिर घड़े नूं पुछिया, मित्रा मैनू दस भी मैं धन किवें ते मेरी मां धन किवें। उन्हें आख्या, पुत्रा तू बनाउणा सां तौड़ी, तेरी मां कोल आ गई, तेरी मां ने तेनू चंगी सिक्ख्या दित्ती, पुत्रा ला दे मिट्टी, जो बनेगी वेखी जाई, मैं बन गया घड़ा। अज मेरे विच भी ठंड, मेरे विचों जल घुट तेरे विच गया ते तेरे अंदर भी ठंड पै गई। जे बन जांदा तौड़ी, दुनिया दे लोकां ने अग डाह डाह के मार देना सी। तेरी मां कोल आई, तेरा ख्याल बदल गया, तेरा ख्याल बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। जिहदा ख्याल बदल जांदा है उहदा जीवन बदल जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह साडे दुनिया दे राजे ने, राजिआं दे राजे ने, सिखा ख्याल बदल। जदों ख्याल बदल गया तेरा जीवन बदल जाएगा। गुरमत विचार करदे आ, होईआं भुल्लां दी माफ़ी, कोटन कोट धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा, प्रबंधक जना दा, जिन्हां ने समां दे करके नवाजिआ। गुरु के सिखो भावना करके परमात्मा दे घर विच आईए ते जो मर्जी लै सकदे आ, क्योंकि दीन दुनिया दे मालक भाई गुरदास जी कहिंदे ने, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुई लेत है। गुरु साडे ते कृपा करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।